क्योंकि कहा जाता है मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, मोहब्बत चाहे माँ से हो, मुल्क से हो या फिर महबूब से हो, मोहब्बत मोहब्बत ही रहती है। तो मैं एक शेर से शुरू करता हूँ कि बंदिशें साजिशें मत करो, बंदिशें साजिशें मत करो, नफरतों में ना बांटो वतन, और जिस्म की चाह को छोड़कर, जिस्म की चाह को छोड़कर रूह से रूह का हो मिलन। अब मैं एक एक करके शुरू करता हूँ। पहले मैं माँ से शुरू करता हूँ कि अकेले ही वो पूरे घर के सारे काम करती है, अकेले ही वो पूरे घर के सारे काम करती है, गमों को काट कर खुशियां मेरे नाम करती है, और किसी की बददुआ से मुझे अब डर नहीं लगता, किसी की बददुआ से मुझे अब डर नहीं लगता, दुआ मेरे लिए मेरी माँ सुबह और शाम करती है। और एक मुक्तक से शुरू करता हूँ आगे की बात, कि सभी के दिल को भा जाऊं इस काबिल बना देना, जमाने भर में छा जाऊं इस काबिल बना देना, यही बस एक प्रार्थना मेरी है तुमसे मेरे कान्हा, वतन के काम आ जाऊं इस काबिल बना देना, वतन के काम आ जाऊं इस काबिल बना देना। अभी भैया ने एकता की बात की थी, तो मैं एक कविता है एकता पर, और ये एकता सभी चीजों के लेकर है कि एकता होती गर हम में तो दिल्ली खुद पे ना इतराती, एकता होती गर हम में तो दिल्ली खुद पर ना इतराती, एकता होती गर हम में तो ये हमको आपस में ना लड़वा पाती, एकता होती गर हम में तो कोई विवाद नहीं होता, एकता होती गर हम में तो कोई विवाद नहीं होता, एकता होती गर हम में तो गोधरा गुजरात नहीं होता, एकता होती गर हम में तो गोधरा गुजरात नहीं होता, एकता होती गर हम में तो संसद पर हम लेना होते, एकता होती गर हम में तो संसद पर हम लेना होते, आतंकी आकाओं के हाथों में बम के गम लेना होते, आतंकी आकाओं के हाथों में बम के गम लेना होते, एकता होती गर हम में तो कोई परेशान नहीं होता, एकता होती गर हम में तो कोई परेशान नहीं होता, एकता होती गर हम में तो बंगला पाकिस्तान नहीं होता, एकता होती गर हम में तो बंगला पाकिस्तान नहीं होता, एकता होती गर हम में तो सैनिक देश के शर्मिंदा ना होते, एकता होती गर हम में तो सैनिक देश के शर्मिंदा ना होते, भारत तेरे टुकड़े कहने वाले अब तक जिंदा ना होते, भारत तेरे टुकड़े कहने वाले अब तक जिंदा ना होते, एकता होती गर हम में तो, एकता होती गर हम में तो चीन आंखें दिखा नहीं पाता, पाकिस्तान आतंकियों को अपने घर में छिपा नहीं पाता, एकता होती गर हम में तो इतने कत्ले आम नहीं होते, एकता होती गर हम में तो इतने कत्ले आम नहीं होते, मुगलों से लेके गोरों तक के हम गुलाम नहीं होते, मुगलों से लेके गोरों तक के हम गुलाम नहीं होते, एकता होती गर हम में तो इतना नुकसान नहीं होता, एकता होती गर हम में तो पाकिस्तान नहीं होता, एकता होती गर हम में तो पाकिस्तान नहीं होता। ज्यादातर होता है कि यहाँ पे अगर कोई भी चीज होती है तो हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, चार पांच लोग का ग्रुप बनाते हैं और कैंडल मार्च लेके चल देते हैं, इसके बाद चार पांच दिन तक ये चलता है, फिर हम लोग शांत हो जाते हैं, फिर अगली बार उठकर चल देते हैं। तो एक कविता है, मैं शुरू करता हूँ, कि कब तक सड़कों पर ये कैंडल मार्च निकाले जाएंगे, कब तक सड़कों पर ये कैंडल मार्च निकाले जाएंगे, कब तक जस्टिस फॉर वाले कैंपेन चलाए जाएंगे, कब तक जस्टिस फॉर वाले कैंपेन चलाए जाएंगे, डोली वाले कांधे बोलो कब तक अर्थी ढोएंगे, डोली वाले कांधे बोलो कब तक अर्थी ढोएंगे, और पिताजी न्याय हेतु कानून के आगे रोएंगे, और पिताजी न्याय हेतु कानून के आगे रोएंगे, न्याय मिलेगा एक को जब तक देर बहुत हो जाएगी, न्याय मिलेगा एक को जब तक देर बहुत हो जाएगी, जब तक केस चलेगा तब तक दूसरी भी खो जाएगी, जब तक केस चलेगा तब तक दूसरी भी खो जाएगी, कूकी चीटे पड़ी हुई है जाने कितनी सड़कों पर, कूकी चीटे पड़ी हुई है जाने कितनी सड़कों पर, पाबंदी सब है लड़की पर नकेल नहीं है लड़कों पर, पाबंदी सब है लड़की पर नकेल नहीं है लड़कों पर,
पहली नजर में केवल दोस्त लड़की का ही दिखता है, पहली नजर में केवल दोस्त लड़की का ही दिखता है। ए दुनिया वालों बतलाओ यह कैसी मानसिकता है, ए दुनिया वालों बतलाओ यह कैसी मानसिकता है। और कहा जाता है अगर कुछ भी ऐसा चीज होता तो उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, उसको वहां जाना ही नहीं चाहिए था, इतनी रात में क्यों गई थी। तब कहता हूं कि आरोप लगे थे कपड़ों पर, आगे हाल सुनाती क्या। आरोप लगे थे कपड़ों पर, आगे हाल सुनाती क्या। माँ चार साल की बेटी को भी साड़ी पहनाती क्या, माँ चार साल की बेटी को भी कपड़े पहनाती क्या। वक्त चाहता है अब खुद का शस्त्रों से श्रृंगार करो, वक्त चाहता है अब खुद का शस्त्रों से श्रृंगार करो। बन जाओ दुर्गा चंडी तुम दुष्टों का संहार करो, बन जाओ दुर्गा चंडी तुम दुष्टों का संहार करो। कैंडल मार्च की जगह अब ये कैंपेन चलाया जाए, कैंडल मार्च की जगह ये कैंपेन चलाया जाए। रेपिस्टों को पेट्रोल डाल के जिंदा जलाया जाए, रेपिस्टों को पेट्रोल डाल के जिंदा जलाया जाए।